नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। हीरा सिंह राणा इस वक्त दिल्ली में गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी के उपाध्यक्ष भी थे। हीरा सिंह राणा का निधन हार्ट अटैक से हुआ। आपको बता दें कि हीरा सिंह राणा ने उत्तराखंडी लोक संगीत जगत को एक नया मुकाम दिया था। उनके कई गीत लोगों के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। हीरा सिंह राणा के निधन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शोक जताया। हीरा सिंह राणा का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया गया। बागेश्वर में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि अनलॉक 1 के बाद जिला पंचायत प्रशासन ने अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्यों को बोर्ड बैठक के लिए बुलाया था, जिसमें सदन बजट और अन्य ग्रामीण इलाकों के ज्वलनशील मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन मुद्दों से भटककर बैठक में हंगामा हो गया। सदन में कोरोना काल से जुड़े हुए मुद्दे गायब नजर आए। इस हंगामेदार बैठक को बगैर बजट चर्चा के ही समाप्त करना पड़ा। हमारी बैठक थी तो इसमें हमारे मंत्रित सदस्य जो माननीय प्रमुख कोर्ट है उनके द्वारा महिला सम्मान के संबंध में मेरे को ये कहा गया कि आप एक जिला पंचायत सदस्य होने के बावजूद आप कौन हैं। AMA साहब ने मुझे आमंत्रित किया है, साहब के द्वारा माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी यहाँ पर हम लोगों को 8 महीने से गुमराह किया जा रहा है। जोशीमठ के मध्य स्थित स्थानीय डांडो गांव के ग्रामीणों ने गांव के समीप खुले राजीव अभिनव आवासीय विद्यालय को नगर से दूर ग्रामीण इलाके में स्थानांतरित करने को लेकर जोरदार आवाज उठाई है। लॉकडाउन के बीच स्थानीय गांव के ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर SDM जोशीमठ अनिल चनियाल के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जोशीमठ के राजकीय इंटर कॉलेज के लिए पूर्व में वार्ड संख्या 6 अपर बाजार जोशीमठ डांडो में स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी भूमि कॉलेज बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन अब कॉलेज के ऊपर गांव के पास राजीव अभिनव विद्यालय भी बन गया है, जबकि ग्रामीणों ने भूमि इंटर कॉलेज बनाने के लिए दी थी। ज्ञापन द्वारा दिया गया है कि जो राजीव विद्यालय यहाँ पे खोला जा रहा है उसका पूरे गांव वाले विरोध कर रहे हैं कि वो यहाँ नहीं खुलना चाहिए, उसको किसी ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिया जाए और जैसे कि पीपलकोटी में विद्यालय बनाए उतना भव्य विद्यालय बनाया जाए। ये विद्यालय इंटर कॉलेज के लिए भूमि दी गई थी ग्रामीणों द्वारा, ये भूमि जो दी गई है ये डाड़ो गाँव की भूमि है, अगर इस पर यह विद्यालय बनाया जाता है तो सारी महिलाएँ पुरुष बच्चे इसके लिए आंदोलन करेंगे। और हमारा शिक्षा मंत्री से निवेदन भी है, उन्होंने अपनी बात को अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रखा भी था कि ये विद्यालय यहाँ नहीं खुलेगा, उसके बावजूद भी जो है अधिकारी लोग हैं वो इसको खोलने में आतुर हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा वो क्या चाहते हैं। पर्वतीय राजस्व निरीक्षक उप निरीक्षक एवं राजस्व सेवा संघ टिहरी गढ़वाल के प्रतिनिधियों ने टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर कर्मचारियों ने उनका स्वागत करते हुए अपनी 14 सूत्रीय मांगों के संबंध में उन्हें अवगत करवाया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व में प्रशासन के द्वारा उनके संगठन के साथ जो कार्रवाई की गई वो सरासर गलत थी। उन्होंने कहा कि संगठन पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और कोरोना काल में भी उनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। द्वारा हमारे कुछ संवर्गीय कर्मियों को अनिवार्य जबरन अनिवार्य सेवानिवृत्त और एक कर्मी को पदावनत किया गया था, जिसमें हमारे संगठन द्वारा रोष व्याप्त किया गया और अतिरिक्त क्षेत्रों का कार्य छोड़ने का निर्णय लिया गया था। बीच में महामारी के आने पर हमारे संगठन द्वारा निर्णय लिया गया कि हमें जो है अपनी मांगों को दरकिनार करते हुए संगठन ने यह निर्णय लिया कि हमें इस महामारी में देश और जनहित में राज्य के हित में कार्य करना है और हमने अच्छे ढंग से कार्य किया। अब नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं, हमने सर्वप्रथम उनका स्वागत किया और अपनी 14 जो पूर्व मांगी थी उन पर विस्तार से चर्चा। टिहरी जिले के नगर पालिका चंबा में जिला प्रशासन के निर्देश पर सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया, जिसमें नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों में पालिका की टीम के द्वारा सभी स्थानों को सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शांति प्रसाद जोशी ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा चंबा क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी होने पर कई जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। महोदय के निर्देश हैं कि जो भी शहरी क्षेत्र के मार्केट हैं उन्हें सप्ताह में एक दिन सैनिटाइज किया जाए, उसी क्रम में आज सेकंड टाइम पालिका चंबा द्वारा पूरे नगर को सैनिटाइज किया गया है, जिसमें बादशाही थॉल मार्केट, गुल्डी रोड मार्केट और गबर सिंह चौक, ऋषिकेश चौक, मसूरी मार्केट, मसूरी रोड मार्केट और ब्लॉक रोड सभी को सैनिटाइज किया गया है, जिसमें हमारी चेयरपर्सन भी साथ रहे हैं। और
टिहरी जिले के चंबा में साप्ताहिक बंद को लेकर नगर के ज्वेलर्स एसोसिएशन और कुछ अन्य व्यापारियों ने व्यापार मंडल के द्वारा शनिवार को साप्ताहिक बंद का विरोध किया है। चंबा में ज्वेलर्स मार्केट खुला रहा। व्यापारियों ने कहा कि व्यापार मंडल ने साप्ताहिक बंदी को लेकर व्यापारियों से कोई सलाह नहीं ली और कोई सहमति भी नहीं बनी। व्यापारियों का कहना है कि जब व्यापार सभा से सहमति बनेगी उसके बाद ही बाजार बंद रखा जाएगा। इसमें कोई किसी का साथ लेकर नहीं चल रहा है, इनकी सब अपनी मोनोपोली चल रही, मनमर्जी से कर रहे हैं। पिछली बार जो मीटिंग हुई थी व्यापार सभा की, उसमें कहा गया था कि भाई इस बार भी यही मुद्दा है कि शनिवार को रखो कि शुक्रवार को रखो। कुछ लोगों ने कहा कि शनिवार को रखो, जिनका कोई प्रतिष्ठान से मतलब ही नहीं, जिनका बंद करने का कोई औचित्य नहीं। जो फैसला है कि ये बाजार जो है पहले जो शुक्रवार को बंद होता था और आज इस तरह से फैसला दिया गया कि शनिवार को बंद होगा, इसमें किसी भी व्यापारी की कोई सहमति ली नहीं गई। जो कि पहले जो हमारा पहले व्यापार सभा में पहले एक बैठक का आयोजन किया जाता था, या आजकल चलो बैठक नहीं हो पा रही तो एक रजिस्टर जो हम लोग सारे दुकानदारों के साइन लिए जाते थे कि भाई किस तरह से किसकी सहमति बनती है। इस तरह से कुछ ऐसे जबरदस्ती पदाधिकारियों द्वारा ये थोपे गया फैसला। गर्मी के मौसम में कई जगहों पर पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान हैं। टिहरी विकासखंड के सियालसी और गोरण गांव में इन दिनों पेयजल का संकट गहराया हुआ है, जिससे लोगों को कपड़े धोने, पशुओं को पानी पिलाने आदि जैसी मुश्किल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रत्येक वर्ष इसी समय में उन्हें पेयजल की समस्या होती है। इस संबंध में कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कोरोना संकट काल में इंसानों के अलावा जानवर भी परेशानियों से गुजर रहे हैं। जानवरों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो हिंसक भी होते जा रहे हैं। हरिद्वार में भी कुछ इसी तरह का नजारा नजर आता है। ऐसे में हरिद्वार में आर्मी फॉर एनिमल्स की युवा टीम लगातार मैदान में डटी हुई है और जानवरों की भूख मिटाने के लिए उन्हें भोजन करवा रही है। क्योंकि आदमी को तो हर कोई फीड कर रहा है, बट इन बेजुबान जानवरों को कोई फीड नहीं कर रहा है, इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी जो लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे, इन जानवरों को भूखा छोड़ रखा है, तो इनको हम फीड करते हैं, इनका रेस्क्यू करते हैं, किसी को चोट लगी है तो हम उसको दवाई करते हैं। हमें लगा कि इस लॉकडाउन में सभी लोग मतलब जानवरों को कोई खाना नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट भी लोगों को इंसानों को ही खाना दे रही है, जानवरों को कोई भी खाना नहीं दे रहा है। तो इस लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने लिए तो कर ही पा रहे हैं, जानवर तो दूसरों पे ही डिपेंड है ना, तो जानवरों के लिए जब तक जानवरों के लिए हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।